मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आज एक इसी तरीके से वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि जुलाई आ गया है और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, वो चाहे स्कूल में ले रहे हों या कॉलेज में ले रहे हों, या फिर जो काम करने वाले लोग हैं जो कि घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है एक बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन का रिव्यू हम लेकर आए हैं। और क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ये, और बहुत कम कॉस्ट में है, और इसके स्पेसिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। सैमसंग कंपनी का ये मोबाइल फ़ोन है, और इसको वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग किसी फ़ोन को लेने का सोच रहे हैं, तो ये फ़ोन आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए और वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। तो दोस्तों, इस फ़ोन का नाम है, अभी लॉन्च हुआ है, और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी तरीके से जो है प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना ही ये फ्लिपकार्ट का प्रमोशनल वीडियो है और ना ही सैमसंग का। बस ये जो अच्छी चीज़ें हैं, ये हम अपने व्यूवर्स तक लेकर आ रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, नाम है सैमसंग गैलेक्सी F22। ये जो है दो अलग अलग वेरिएंट में है, 4GB रैम और 64GB मेमोरी, और 6GB रैम और 128GB मेमोरी। देख सकते हैं दोस्तों इसकी खासियत, ये जो है 16Hz जो आप देख पा रहे हैं, और 19Hz पर जो है ये मैक्सिमम इसका रिफ्रेश रेट रहेगा। और जो इसकी खास बात है वो आपको यहाँ देखी गई होगी, इसके लिए हमने वीडियो बनाया है। बहुत ही मॉन्स्टर बैटरी के साथ ये आ रहा है, 6000mAh की बैटरी है दोस्तों, जो कि तकरीबन आपको कंटिन्यूस फ़ोन चलाने के बाद भी 1 से 1.5 दिन का बैकअप दे सकती है। इसी तरीके से मेरा कहना था कि अगर आप लोग क्लासेस लेते हैं या आप मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो ये मोबाइल फ़ोन आप लोगों को देखना चाहिए। इसी के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, 48MP कैमरा। और यहाँ तक सभी को पता है कि सैमसंग मोबाइल फ़ोन के कैमरास बहुत ही अच्छे आते हैं। आप प्रोसेसर देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो है काफ़ी शानदार प्रोसेसर है, और मीडियाटेक हेलियो G80 प्रोसेसर का इन्होंने यूज़ किया है, जो कि काफ़ी फास्ट और स्मूथ है, और आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी ये जो है बहुत अच्छा देने वाला है। इसी के साथ दोस्तों देख सकते हैं, जो सैमसंग बेस्ड इनका UI है, कोर 3.1 और एंड्रॉयड 11 का जो है आपको सपोर्ट इसमें मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आपको इसमें जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, जो कि साइड बेस्ड है, आपको ये साइड में मिलेगा, और फेस स्कैनर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों आपको सैमसंग पे मिनी का ऑप्शन भी देगा, ये जो पेमेंट गेटवेज के लिए होता है। आप डिज़ाइंस पर भी जा सकते हैं, 3 से 4 तरीके के डिज़ाइन निकाल कर दिए गए हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं, हैंडसेट में 15W का चार्जर है, जो कि फास्ट चार्जर तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि 6000mAh की बैटरी है, तो ये 25W को भी जो है सपोर्ट कर सकता है, और आप 25W के चार्जर से भी जो है इसको चार्ज कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों इसमें आपको जो है मेमोरी स्लॉट भी मिलेगा एक्सटेंडेबल, अगर आप अलग से कार्ड वगैरह लगाना चाहते हैं तो। बाकी आप देख पा रहे हैं ये प्रोसेसर्स हैं, और 6.4 इंच की HD+ इसमें जो है एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने मिलेगी दोस्तों, 13MP का फ्रंट कैमरा, 6000mAh की लिथियम आयन बैटरी, प्रोसेसर आप देख ही चुके हैं। बाकी दोस्तों ये स्पेसिफिकेशंस में नेम्स हैं और सिम्स क्राइटेरिया हैं, रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं, ARM माली G52 इसमें GPU का यूज़ किया गया है, कलर्स कॉम्बिनेशंस आप देख पाएंगे, ऑक्टा कोर 2GHz का सपोर्ट भी इसी में है, और इसी तरीके से ये आपको मेमोरीज और कैमरा स्पेसिफिकेशंस को आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आप इसको जो है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, या आपके आसपास जो भी दुकान वगैरह जहाँ ये मिल रहा हो, आप देख सकते हैं कंट्री ऑरिजिन, आप सैमसंग का मोबाइल फ़ोन जो है इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये इसकी डिटेल थी, खासियत इसकी जो है वो आपको यहाँ दिख ही रही होगी, 12499 इस टाइम पर इसको आपको रेट दिख रहा है। इस मोबाइल रेंज में जो है सैमसंग के इतने शानदार स्पेसिफिकेशन के साथ, जिसमें कि इतनी शानदार बैटरी दे रखी हो, और ऐसा फ़ोन मिलना बहुत ही कम मिलेंगे आपको इस रेट में, तो आप जो है सैमसंग के F22 मोबाइल के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप ये जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी फ़ोन को देख रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मिड लो रेंज में ही आपको फ़ोन लेना हो, ज़्यादा पैसे अगर खर्च ना करने हो, इसी के लिए दोस्तों हमने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि अभी के दिनों में हर दिन या हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन उस तरीके के हैं जिसमें कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को और काम करने वाले लोगों को ज़रूरत है एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन की। तो कौन सा फ़ोन खरीदा जाए, उन फ़ोन्स में दोस्तों ये अभी तक का बेस्ट फ़ोन माना जा रहा है,
F22 डेनिम। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।